बाबूशाही देख रहे सारे का स्वागत है। अज असी पहुंचे हैं ग्लोब टोयोटा टोयोटा वालों अर्बन क्रूजर हाई राइडर नवी गड्डी लॉन्च की गई है। तो अर्बन क्रूजर पहला भी आती सी एक देखी होनी है मार्केट के उत्ते अक्सर चलती सी पर जी नवी हम अर्बन क्रूजर हाई राइडर आई है ये की खास है पहले नालों किमें वक् है तो हाईब्रिड टेक्नोलॉजी है जी बढ़ रही है लगातार तो उस तहत टोयोटा वालों एक नवा जरा इस सैगमेंट के एक एस यू वी लॉन्च की गई है वो बारे जानते हैं साढ़े नाल आशु मिसर जी ने जेडे हैड ऑफ मार्केटिंग ने जैसे कि मैं बताऊँ अर्बन क्रूजर हाई राइडर के बारे में जो बेसिक जो अच्छी सबसे अच्छी चीज़ जो है इसमें वो इसमें सेल्फ चार्जिंग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक सिस्टम इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग सेल्फ चार्जिंग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक सिस्टम तो ये गाड़ी हाइब्रिड कार है। तो हाइब्रिड की वजह से इसका फ़ायदा क्या होता है कि इसके अंदर एक इलेक्ट्रिकल इंजन जो इलेक्ट्रिकल बैटरी है और इसके अंदर जो है कन्वेंशनल पेट्रोल इंजन है जो दोनों इंजन है तो वो इंटेलिजेंटली डिटेक्ट करता है कि कब इसको पेट्रोल इंजन के ऊपर शिफ्ट होना है या कब इसको जो है वो ओनली ऑन बैटरी के ऊपर शिफ्ट होना है। उसी की वजह से जो हमारी माइलेज है जो गाड़ी की वो सबसे बेहतरीन है बेस्ट इन क्लास माइलेज की वजह से इसकी माइलेज है 27.97 तो इस इतनी माइलेज इस इंडस्ट्री सेगमेंट में इट इज़ वेरी वेरी टफ ओके बट हाँ ड्यू टू द हाइब्रिड टेक्नोलॉजी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन वी आर एबल टू रिसीव दैट नॉलेज। अच्छा ये तुसी कह रहे हो इस टेक्नोलॉजी का करके इतनी इंजन माइलेज है लगभग 5 जैसे कि हम अगर हम बात करें नॉर्मल ड्राइविंग के बारे में अगर गाड़ी जो है वो डाउनहिल चल रही है तो डाउनहिल जब गाड़ी चल रही है तो उसको इतनी ज़्यादा अपनी इंजन पावर की ज़रूरत नहीं है तो उस टाइम पे क्या होता है इलेक्ट्रिक इंजन जो है वो सिस्टम में आ जाता है। जब अगर हम बात कर रहे हैं सडन ब्रेकिंग की अगर हम गाड़ी ब्रेक कर रहे होते हैं तो उसके बाद जो सारी एनर्जी होती है वो लॉस्ट हो रही होती है एनवायरनमेंट में तो वो जो एनर्जी जो लॉस्ट हो रही होती है एनवायरनमेंट में वो एनर्जी जो है वो गाड़ी जो है प्रिजर्व करती है और बैटरी के अंदर जो है वो डालना शुरू कर देती है सो दैट हम वो प्रिजर्वड एनर्जी जो है वो तब यूज़ कर पाए जब हमको सडन एक्सेलरेशन देंगे। जैसे हम गाड़ी को सडन एक्सेलरेशन देते हैं तो बैटरी और पेट्रोल इंजन दोनों मिक्सचर में काम करते हैं और गाड़ी चलती है। जहाँ तक अगर हम नॉर्मल गाड़ी चला रहे हैं कि हमें कोई सडन एक्सेलरेशन की ज़रूरत नहीं है हम हाईवे पे क्रूज़ कर रहे हैं वहाँ पे पेट्रोल इंजन जो है वो थोड़ा ईज हो जाता है उसको पेट्रोल इंजन की इतनी ज़रूरत नहीं है वहाँ पे जो है बैटरी जो है अपना काम करना शुरू करती है तो जब जब गाड़ी बैटरी पे चल रही है तो पेट्रोल तो यूज़ हो ही नहीं रहा दैट्स वाई जो हमारी जो कंजम्पशन है वो बहुत कम होती है। इसलिए वेरी इंटेलिजेंटली डिज़ाइन कार विच हैज़ डिटेक्शन कि कब उसको जो है वो बैटरी पे चलना है कब उसको पेट्रोल इंजन में चलना है कब उसको ओनली ऑन ईवी मोड पे चलना है और कब उसको कॉम्बिनेशन ऑफ मोड पे चलना है। तो ये जी तुसी दे में दस्सो जिहड़ी टेक्निक है पहला हाथ नूं क्रूज़र आ रहा है उहदे विच वी कितने कितने टेक्निक सी पर उहदे नाल उहदे हाई राइडर दे आ गया ये मॉडल की इधर मैं बताऊँ हमारी जो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है वो सिर्फ हमारी कैमरी में आती है हमारी वेलफायर में आती है और अब हमारी हाई राइडर में आ रही है वो टेक्नोलॉजी। जो पहले वाली हमारी अर्बन क्रूजर है उसमें हाइब्रिड टेक्नोलॉजी हमारी नहीं आती है उसमें कन्वेंशन पेट्रोल इंजन था जो हमारे 1.5 लीटर का जो कन्वेंशनल पेट्रोल इंजन है उसमें वो ही था। तो इसके पूरा प्लेटफॉर्म ही डिफरेंट है इसकी चेसे डिफरेंट है इसका प्लेटफॉर्म डिफरेंट है अंदर से जो उसके डायमेंशन है स्पेक्स है वो सब डिफरेंट है। ये नाम है सिर्फ अर्बन क्रूजर बट अर्बन क्रूजर जो कन्वेंशनल अर्बन क्रूजर है और जो हाई राइडर है उसमें बहुत सारा डिफरेंस है मेजर डिफरेंसेस हाइब्रिड अदर डिफरेंसेज आर कोर इसके जो सॉलिड डिस्क ब्रेक्स हैं प्लस इसके वेंटिलेटेड सीट्स हैं प्लस इसमें वायरलेस चार्जिंग है प्लस इसमें एप्पल कारप्ले है एंड्रॉयड ऑटो है प्लस वेंटिलेटेड सीट्स हैं प्लस 360 डिग्री कैमरा एच यू डी इज हेड अप डिस्प्ले तो दीज आर द थिंग्स। बेसिक जो स्पेसिफिकेशन की गल करें 1.5 लीटर इंजन है इसका जो नॉर्मल हमारी जनरिक अर्बन क्रूजर में आता है बट विथ स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी तो उसकी वजह से क्या होता है कि इसकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा एलिवेट हो जाती है सो दैट इज़ वन थिंग। अगर हम सीटिंग कैपेसिटी की बात करें इट्स अ फुल 5 सीटर कार इट हैज़ अ कैपेसिटी ऑफ 5 सीट्स सो इट्स अ फुल 5 सीटर कार जी। तो ये भी दसो कि कितने इसके वेरिएंट अपनी लॉन्च करनी है और कौन ही अगला भी आएगा तो फर्क इसमें 7 मॉडल आएंगे बेसिकली जो फर्स्ट 4 मॉडल्स होंगे वो कन्वेंशनल पेट्रोल इंजन होंगे
उसके बाद जो लास्ट थ्री मॉडल्स होंगे वो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल इंजन जो मॉडल होंगे। और अगर उसके कलर्स की बात करूँ तो 11 कलर्स होंगे, 7 कलर्स होंगे वो होंगे रेड, ब्लैक, वाइट, ग्रे, दिस काइंड ऑफ कलर्स, सिल्वर, और बाकी जो 4 कलर्स हैं वो ड्यूल टोन कलर्स होंगे कि छत अलग कलर की है और एयर अलग कलर का, ये आजकल जो है ट्रेंड में है उसके हिसाब से जी। इसमें पैनारोमिक सनरूफ है। पैनारोमिक सनरूफ का क्या होता है, पूरा जो है प्लेट है जो सिर्फ फ्रंट के लिए सनरूफ नहीं है, वो रियर वाले पैसेंजर्स के लिए भी बहुत अच्छी सनरूफ है। तो फ्रंट एंड रियर पैसेंजर्स दोनों सनरूफ का मजा उठा सकते हैं इस गाड़ी का। आशुजी मैं चाहूँगा कि अंदरों आप देखिए तो इंटीरियर है इसका। सॉफ्ट टच मटीरियल यूज़ किया गया है जहाँ पे भी हमारी गाड़ी का जो हार्डवेयर है वो ज़्यादा सॉफ्ट टच मटीरियल है, प्लस इट हैज़ ए टच स्क्रीन, सारी ये टच स्क्रीन है और यहाँ पे HUD है। अभी जब हम कार ऑन करेंगे तो वहाँ से HUD की एक स्क्रीन बाहर आएगी, तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि अगर आपको क्रूज करना है तो वहाँ पे आपको जो है बार बार स्पीडोमीटर की तरफ नहीं देखना है। तो इफ़ यू आर क्रूजिंग यू कैन सेट योर आइज राइट, आप अगर सीधा चला रहे हैं तो आपकी आइज जो है बिल्कुल सीधा राइट रहेगी और वहीं पे आपको सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वहीं पे आएगी, कार की माइलेज कितनी है, कार की स्पीड कितनी है या कार की जो RPM है वो कितने RPM में जा रही है, सो दैट आपको बार बार ऊपर नीचे ना देखना पड़े। स्लाइटेस्ट ऑफ एरर जो होता है, कई बार हम ऐसे देखते हैं कि हम अगर स्लाइटेस्ट ऑफ एरर जो आइज की जो मूवमेंट ऊपर नीचे का स्लाइटेस्ट भी हो जाती है उसके वजह से काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है। उसके लिए खास ख्याल रखा गया है कि आपको जो है आपके आइज का जो व्यू है वो हिंडर ना हो और आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है इसी के ऊपर मिल जाए। प्लस जैसे मैंने बताया था कि ये गाड़ी में वेंटिलेटेड सीट्स हैं, तो फ्रंट टू वेंटिलेटेड सीट्स का ही ऑप्शंस हैं। यहाँ पे आप वेंटिलेशन जो सीट्स हैं वो आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, जैसे कि हमारे देश में बहुत गर्मी होती है या कभी कभी एक्सट्रीम ठंड पड़ जाती है, तो उसके लिए जो है वेंटिलेटेड सीट्स आर वेरी गुड ऑप्शन। स्टीयरिंग कंट्रोल्स स्टीयरिंग पे इसके सारे कंट्रोल्स हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो अगर HUD का कंट्रोल कर रहे हैं, HUD में अगर आपको कुछ डिस्प्ले चेंज करना है तो वो स्टीयरिंग में कंट्रोल है, प्लस आपको सॉन्ग्स अगर अप डाउन करने हैं तो वो स्टीयरिंग में कंट्रोल है, क्रूज कंट्रोल के जो कंट्रोल्स हैं वो स्टीयरिंग में है, तो दीज आर ऑल द कंट्रोल्स। अगर आपका फोन कनेक्टेड है, ये एप्पल कारप्ले और वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो से कनेक्ट है, तो वहाँ पे अगर आपके जो स्टीयरिंग कनेक्शन है वो सारे कंट्रोल्स हैं वो स्टीयरिंग पे दिए गए, सो दैट आपको कहीं पे भी किसी भी चीज़ के लिए आपको अपनी हैंड मूवमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्ट ना करनी पड़े, वो यहीं रहे। आशु जी की लगता है मार्केट के बीच कॉम्पिटिशन बहुत है, तो बेसिकली गड्डिया के नाल जो है मुकाबला होगा, कि आप गल करिए कि सेंटोस होनी है, क्रेटा होनी है, उन्होंने मुकाबला रहूँगा या होर किसी सैगमेंट। अगर इस रेंज में बात करूँ, जैसे कि आपने बताया कि किया सेल्टॉस और हुंडई, ये कार्स जो है अवेलेबल हैं, वेरी गुड कार्स, बहुत अच्छी हैं, बट सबसे मेजर फीचर जो वो मिस कर रहे हैं वो हाइब्रिड इंजन जो आज का नीड ऑफ आ रहा है, टेक्नोलॉजी में नहीं है, वो टेक्नोलॉजी में नहीं है। एंड टोयोटा टेक्नोलॉजी वर्ल्ड रेनॉल्ट, आपको अगर आपको पता होगा कि दुनिया में जो सबसे बड़ी जो कंपनी है, जो सबसे ज़्यादा सेल्स नंबर मोस्ट ट्रस्टेबल इंजन, मोस्ट ट्रस्टेबल इंजन इस टोयोटा, एंड इट हैज़ एन एडवांटेज ऑफ सेल्फ चार्जिंग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक। सो वो दो जो चीज़ें जब एक साथ मिल जाएंगी, टोयोटा का भरोसा और हाइब्रिड इंजन, तो मुझे लगता है कि कॉम्पिटिशन अनबीटेबल है। पिछली अर्बन क्रूजर नाल कंपेयर करिए तो अंदरों भी स्पेस ज़्यादा है जी सर, अगर पिछली अर्बन क्रूजर इंटरनल स्पेस ज़्यादा है और इसका जो व्हील बेस है वो बहुत ज़्यादा है, 5600 का व्हील बेस है तो वो बहुत ज़्यादा है, प्लस इंटीरियर फीचर्स आर वेरी वेरी डिफरेंट है। पुरानी अर्बन क्रूजर में ऐसे वाइट चॉइस नहीं थे जो इस अर्बन क्रूजर हाई राइडर में आ रहे हैं, तो वो फीचर्स हैं। सिर्फ हाइब्रिड इंजन ही नहीं, अंदर से भी अगर हम बात करें तो ये अर्बन क्रूजर से बहुत ज़्यादा जैसे कम्प्लीटली डिफरेंटली। अच्छा मैं चाहूँगा भी तुम एक बार इंजन का भी दस दो, फॉरन खोल के वो भी दिखा दो जी। मैं इंजन दी गई है, राइट नाउ तो शायद आप नहीं देख पाएंगे बट इसके अंदर एक स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है, प्लस एक ECU है जो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है कि कब कार को कौन से मोड पे जाना है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, दैट इज अ वेरी स्मार्ट इंजन। इफ यू सी एट द इंजन, दिस इज द स्मार्टेस्ट इंजन अवेलेबल इन द मार्केट बिकॉज इट हैज़ अ टेंडेंसी टू शिफ्ट, EV में शिफ्ट कर रहा है,
पेट्रोल मॉडल में शिफ्ट करना है, पेट्रोल मॉडल से ईवी के अंदर इसको एनर्जी देनी है, या दोनों के कॉम्बिनेशन पे अभी चलना है, तो ये ऑटोमेशन जो शिफ्ट है ये ऑटोमेटिकली इसमें होता है, ड्राइवर को कुछ नहीं करना होगा, सारी टेक्नोलॉजी चेंजेस जो है कार अपने आप सेंस करेगी और ये अपने आप जो मॉनिटर करेगी कि अभी उसको किस मोड के ऊपर चलना है। तो दैट्स अ वेरी प्रीमियम टेक्नोलॉजी जी। बच्चों की जरा बूट स्पेस है मैकेनिक्स को उनकी ट्रेनिंग वगैरह रिपेयरिंग वगैरह सारा ना बोल के बोलो। अगर हम बूट स्पेस की बात करें इट हैज वंडरफुल बूट स्पेस, बेस्ट इन क्लास जो है बूट स्पेस है, इट हैज ऑल द मींस लाइक अगर मैं बात करूँ तो तीन स्टेप्स हैं, एक अपवर्ड स्टेप है, डाउनवर्ड स्टेप है और साइड स्टेप्स है, जहाँ पे जो है अपने जो है कोई भी आपका बूट है जो लगेज है यहाँ पे रख सकते हैं, प्लस ये ट्रे जो है पार्सल ट्रे जिसको आप रिमूव कर सकते हैं यहाँ से, इट इज़ वेरी इजी टू गेट दिस रिमूव, और एवरीथिंग एवरी फीचर यू कैन थिंक ऑफ यू कैन थिंक ऑफ यहाँ पे है, जो सिस्टम है ये हाइड्रोलिकली जो है वो ओपन हो जाती है, तो ये आप देख सकते हैं, प्लस इसके पीछे जो है एक 360 डिग्री कैमरा है इसके पीछे है, आई थिंक यहाँ पे आप कैमरा देख पाएंगे जी, डिक्की के पीछे जो है कैमरा है, साइड के जो ओवर व्हील्स हैं उन दोनों के साइड्स पे कैमरा है, फ्रंट का जो बोनेट है उसके जो सेंटर है वहाँ पे कैमरा है, सो उसकी वजह से क्या होता है कार 360 डिग्री कवर्ड हो जाती है, वो जो है वो अब सेफ हो जाती है गाड़ी की, आपको यहाँ साइड पे देखना है, उस साइड पे देखना है, रियर पे देखना है, फ्रंट पे देखना है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कार ऑटोमेटिकली जो है वो सेंस कर पाएगी और आपको दिखा पाएगी। एक सेल्स की अगर आप बात करें लास्ट ईयर से इस ईयर में कंपेयर करें तो वी हैव ग्रोन 1.96%, सो ओवरऑल जो पूरे इंडिया में जो है तो इसकी सेल्स जो है एलिवेट हुई है, डाउन नहीं हुई है, एलिवेट हुई है, बट जैसे कि हम बात करें कि अगर टोयोटा की अपनी रिलायबिलिटी वाली जो कार्स हैं वो कैमरी है, फॉर्चूनर है, इनोवा है और वेलफायर है, ये गाड़ियाँ तो ऑलरेडी हमारे पास आ ही रही हैं, प्लस जो हमारी जो जो ये गाड़ियाँ हैं जो आप अर्बन क्रूज़र और क्लेंजा की बात कर रहे हैं जो हमारी विद कोलैबोरेशन वाली जो गाड़ियाँ हैं उसमें कस्टमर्स को भरोसा है कि अगर ये हम टोयोटा से ले रहे हैं तो टोयोटा विल हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स इट, जो हमारी सर्विस है जो हमारा जो मेन जो हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो तो हमारे पास ही है अभी भी, तो सर्विस में अगर आप देखोगे तो देयर इज अ ह्यूज शिफ्ट, 60 मिनट्स जो है EM60 हमारा एक प्रोसेस है, EM60 का मतलब क्या है आप गाड़ी लेके आए तो 60 मिनट्स के अंदर अंदर हमको सर्विस करके दे सकते हैं, और कोई भी जो है मैन्युफैक्चरर अभी तक नहीं करके दे पा रहा है, वो हर गाड़ी के लिए चाहे वो हमारी सुजुकी के साथ कोलैबोरेटेड कार्स हैं वो या हमारी अपनी कार्स हैं वो, तो सर्विस का जो एक्सपीरियंस है वो हम हमेशा से जो है वाओ एक्सपीरियंस ऑसम एक्सपीरियंस देते हैं वो हमारे साथ अभी भी है। अच्छा गड्डी लॉन्च की गई है कंपनी मतलब प्राइस बारे रिवील किया जाऊंगा सर, एक्सपेक्टेड तो अब हम कुछ नहीं बता सकते कि एक्सपेक्टेड क्या होगा बिकॉज हमें अभी तक बिल्कुल भी नहीं है कि प्राइस क्या आएगा, बट जैसे कि हम सुन रहे हैं मुझे ऐसा लगता है कि एंड ऑफ द अगस्त और स्टार्टिंग ऑफ द सितंबर वील कम टू नो कि प्रोडक्शन में कितनी गाड़ियां हमें मिलेंगी और प्राइस क्या होगा, एक्जैक्ट प्राइस क्या होगा। अच्छा बुकिंग तो स्टार्ट कर रहे हो? जी सर, बुकिंग हमारी ऑलरेडी स्टार्टेड है एंड आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर कि एवरी डे वी आर रिसीविंग लॉट ऑफ बुकिंग्स, 25,000 के प्राइस से जो है हमने बुकिंग जो है वो स्टार्ट करना शुरू कर दिया है। जैसे कि मैंने बताया कि अगस्त या सितंबर ऑनवर्ड जो है हम प्रोडक्शन शुरू कर देंगे, उसके बाद जो है ऑब्वियसली क्योंकि इतनी ज़्यादा डिमांड है, इतनी ज़्यादा हमारे पास बुकिंग्स हैं तो बनाने में जो है थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, तो उसके बाद जो है सितंबर ऑनवर्ड डेफिनेटली सी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस गाड़ी में ऑटोमेटिकली हाइब्रिड स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक इंजन है, तो अगर हम उसमें बात करें तो रेडी ऑन अगर मैं स्टार्ट की थी मोड पे ऑन की बात करूँ एज एन आर एस रेडी, आप देख सकते हैं कि कार जो है वो रेडी हो गई है, तो कार जो है इग्नाइट करना शुरू कर रही है, जो उसकी ब्लू लाइंस हैं वो डिपेक्ट कर रही हैं इसके जो जो बैटरी से जो इसकी पावर जो है वो निकल रही है, तो जैसे कि मैंने बटन दबाया क्रूजिंग, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था क्रूजिंग में गाड़ी जो है बैटरी की भी पावर ले रही है और पेट्रोल इंजन की भी पावर ले रही है, तो आप देख पाएंगे कि देयर आर टू लाइंस, रेड लाइन एंड ब्लू लाइन,
तो इसका मतलब है कि वो बैटरी की पावर भी ले रही है और ब्लू कलर की जो लाइन्स है वो जो है ये इंजन की लाइन्स है और ये बैटरी की लाइन्स है, तो वो दोनों से पावर ले रही है और गाड़ी को सडन एक्सलेशन दे रही है। अगर आपको क्रूजिंग चाहिए तो वो दोनों ये मिक्सचर से क्रूजिंग आएगी, तो वो आपको दे रही है। जैसे कि अब हम बात करें ब्रेकिंग, जब गाड़ी ब्रेक कर रही है तो उसके उस टाइम पे उसको जो है वो इसकी ज़रूरत नहीं है, उसको इंजन की ज़रूरत नहीं है, इंजन की पावर की ज़रूरत नहीं है। तो आप देखेंगे ब्लू लाइट्स आ रही हैं, तो जितनी भी जो एनर्जी हमारी लॉस्ट हो रही थी ब्रेकिंग से वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो रही है, ये एनर्जी जो है वापस आ रही है इन कन्वर्टर के अंदर जो है वो स्टोर होने शुरू हो रही है एनर्जी। ठीक है, वेरी गुड। अगर हम बात करें छोटे छोटे फीचर्स जैसे कि रिवर्सिंग, जब गाड़ी रिवर्स हो रही है ऑब्वियसली किसी को भी रिवर्सिंग में बहुत ज़्यादा पावर की ज़रूरत नहीं होती है। रिवर्सिंग में ये गाड़ी जो है सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक जो इसकी बैटरी है उसका यूज़ करती है, उससे वो जो गाड़ी जो है रिवर्स होती है। सो जो आपकी फ्यूल की जो खपत है एक तरह से हम कह सकते हैं वो रिवर्सिंग के टाइम पे जो कन्वेंशनल इंजन ने जो ली थी वो नहीं लेगी, अब सिर्फ सारा लोड जो है वो बैटरी के ऊपर आ रहा है और ये देखेंगे बैटरी से पावर जा रही है और वो टायर्स को दे रही है पावर, इसकी वजह से रिवर्स होना शुरू हो गया। वैसे ही अगर आप कहीं पे रुके हुए हैं जहाँ पे आप बाइक पर रुके हुए हैं जहाँ पे आपको पावर बैटरी की ज़रूरत नहीं है, इंजन की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे आपकी लाइट्स चल रही हैं, आपके एसी चल रहा है, आपका सिस्टम चल रहा है, वो सब बैटरी के ऊपर चल रहा है। गुड पॉइंट, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। सो असी तुहानू दिखाया जिहड़ी टोयोटा वल्लों नवीं गड्डी लॉन्च की गई है अर्बन क्रूजर हाई राइडर, तो किस तरीके दे नाल इह नवीं टैक्नोलॉजी जिहड़ी हाईब्रिड टैक्नोलॉजी दे विच काम करूगी मार्केट के अपना नाम बना सकती है, सो यह दावा किया गया कंपनी वालों। तो खास तौर पर जरा सब तो वध हाईलाइट किया जा रहा जी यदि माइलेज है जी लगभग 27.9 लगभग 28 किलोमीटर पर लीटर है जी कंपनी वालों क्लेम की गई है। कंपनी का कहना है कि इस सैगमेंट के इन्नी माइलेज है जी किसी भी व्हीकल की फिलहाल नहीं सी, पर हुण बहुत जल्द सड़कों पर तुहानू अर्बन क्रूजर हाई राइडर देखने मिलेगी। तो लोगों का रिस्पोंस किवें दा रहेगा, कितनी क मार्केट कैप्चर कर पाती है समा दसेगा। हाली तो कैमरामैन आकाश दी तेरा हर्षभाप सिंह सिद्धू बाबू शरीर लाइन्स।